तो इट्स बिकम रिचुअल अभी के बर्थडे पे एल्बम आना है, सॉन्ग आना है, तो हर साल एक गाना आता था, तो ये टाइम सोचा कि पूरा एल्बम निकाल लेते हैं. एंड बहुत प्लान है आगे भी एल्बम निकालने के लिए. इज माई फर्स्ट एल्बम, इज कॉल्ड लेट मी लव. तो दोनों बर्थडे एंड एल्बम दोनों सेलिब्रेशन साथ में चल रहे हैं. अभी तो हम लोग का कल ही गाना आया है, इट्स कॉल्ड आँखों में, एंड अपूर्वा इज देयर उसमें. एंड वो उसका सक्सेस भी आज सेलिब्रेट करेंगे. धीरे धीरे इट्स ग्रोइंग एंड आप लोग का बस प्यार दिखाते रहो गाने पे, एंड और इससे बेटर गाने आएंगे डेफिनेटली. आई थिंक ये टॉपिक में बात करने जाऊंगा तो पूरी रात निकल जाएगी. बिकॉज आई एम वेरी ओल्ड स्कूल. जब प्यार की बात आती है तो वो फूल देना, छत पे से नजरें मिलाना, वो सब असली प्यार होता है. ये क्या है, ऐप्स पे फ्लर्टिंग कर ली, मैसेज कर लिया, सो आई डोंट थिंक दिस इज लव मेरे लिए. इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ डीपर कनेक्शन, तो उसको प्यार बोलना चाहूँगा मैं. आप इस डेफिनेशन पे कितना बिलीव करते हैं दैट लव हैज नो बाउंड्रीज? दैट इज ट्रू. जिस मेरा फर्स्ट गाना भी था फितूर, इट्स वॉज ऑल अबाउट मैडनेस, पागलपन. अगर वो प्यार में वो पागलपन नहीं होना तो देन प्यार नहीं बोलना चाहिए उसको, बोलना चाहिए अट्रैक्शन है. रोमियो, वैलेंटाइन डे आ रहा है, ऐसे मौके पर आपका एल्बम लॉन्च हो रहा है, क्या मैसेज करो और क्या मैसेज देंगे आप लोग? आई थिंक वैलेंटाइन एंड द होल फेब का मंथ हैज़ बिकम अ रोमियो मंथ मेरे लिए एंड मेरे फैंस के लिए. सो आई ट्राई माई बेस्ट के हर टाइम कुछ ऐसे रोमांस वाला माहौल लेकर आऊँ. जो दुनिया भूलती जा रही है रोमांस को, उसको वापस थोड़ा जगाना है, तो आई फील वो ही काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अभी. आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोगों को ऐसा हो गया कि बहुत ऑप्शंस हो गए. पहले के ज़माने में क्या था, एक ही पे थे, एक ही से प्यार था. आई फील लाइक टू मेनी ऑप्शंस के चक्कर में ना लोग असली प्यार भूल जा रहे हैं. वो होता है ना, वो एक कहावत भी है कि चांद एम एट द मून लैंड एट द स्टार्स, तो लोग का वैसा चल रहा है कुछ. अच्छा, शादी को लेकर आपकी क्या राय है? पहले शादी सात जन्मों का रिश्ता हुआ करता था, अभी में जो स्टार्स हैं वो तुरंत शादी करते हैं और कुछ साल में तोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे और आप खुद कब शादी करने वाले हैं? बर्थडे के दिन क्यों डरा रहे हो भाई? बट जब कोई मिल जाए ऐसा कुछ प्यार व्यार सीरियस वाला हो जाए अपने को भी, और ऐसा लगे कि सब कुछ उसके लिए है, वो उस दिन शादी कर लेंगे. बट अभी तो ऐसे कुछ प्लान्स नहीं है, अभी सिर्फ म्यूजिक बनाना है, लोगों को प्यार कराना है दूसरे से, दैट इज द मोटिव. शादी कितना सीरियस हो आपके लिए, कितना सीरियस वैल्यू हो सकता है? शादी, आई मीन इसका आंसर ही क्या है कि शादी इज वेरी सीरियस. और उसमें ऐसा कुछ, कोई शादी ऐसा थोड़ी ना करता है कि यार आज शादी कर लेते, आज मूड है. तो आई थिंक इट्स दैट ओनली. रोमियो, इसके अलावा हम लोग पीछे बोर्ड देख रहे हैं, लेट मी लव, थोड़ा सा बताइए इस गाने के बारे में, किस तरह का गाना है, लोगों को इस वैलेंटाइन डे पे क्या सरप्राइज मिलने वाला है आपकी तरफ से? सो लेट मी लव इज माई फर्स्ट एल्बम. इससे पहले बहुत सारे सिंगल्स रिलीज किए थे. मैंने सोचा कि यार अभी वैलेंटाइन का माहौल है, पूरा एक रोमांटिक एल्बम बनाते हैं, उसमें थोड़े हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स हैं, थोड़े प्यार वाले सॉन्ग्स हैं, इंटेंस लव फितूर टाइप का भी गाने हैं. तो मेरे को बहुत आते कि फितूर 3 चाहिए, फितूर 4 चाहिए, तो वैसे ही गाने भी बनाए हैं. तो दिस इज़ माई फर्स्ट एल्बम, और यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप जितना प्यार अपने फितूर, तू चांद है सबको दिया था, उतना ही प्यार लेट मी लव को भी दे. इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी होगा, वो भी ऐसे कुछ सरप्राइज आएगा आपके लिए. आप लोगों को तो पता है कभी हम अनाउंस करिए नहीं करते, इट्स जस्ट. Yes. अरे मेरा एक्सपीरियंस रोमियो के साथ काम करके, इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस. वी रैप्ड अप द शूट इन लाइक, वी मेट 3 डेज बिफोर द शूट एंड वी कनेक्टेड रियली वेल. सो बहुत मज़ा आया रोमियो के साथ काम करने. थैंक यू सो मच. यस, करना. वेल आई फील अगर टीम अच्छी हो ना तो एक दिन भी बहुत होता है टू गेट आउट द बेस्ट आउटपुट्स इन द शूट. सो या आई थिंक वी हैड अ फैबुलस टीम टू वर्क टुगेदर. एग्जैक्टली, सब ये तो मुंबई में ही हुआ था, बिकॉज एक हाउस पार्टी दिखा रहे थे हम लोग. तो टिपिकल दिखाना था कि हाउस पार्टी में अगर एक कपल एंटर करता है उनके रोमांस क्या चलता है. एंड आप लोग वीडियो देखोगे तो लगेगा कि असली कपल है, कि रोमांस होता है ना, बॉयफ्रेंड हमेशा ट्राई कर रहा था गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने का,
तो वो दिखाया है म्यूजिक वीडियो में। मैडम आप वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ बोलेंगे हमारे दर्शकों? वेल प्यार का महीना है, आई जस्ट वांट टू विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस वीक एंड लेट्स होप दैट प्यार की पुरानी जो डेफिनेशन है कि एक बार प्यार होता है वो वापस आ जाए। महरों सी गहरी आंखें है झील, प्यार भरा है मीलो मील, कैसे अब बाहर आऊँ मैं, कैसे अब बाहर आऊँ मैं, यहीं डूब डूब मर जाऊँ मैं इन आँखों में। थैंक यू सो मच। सी मेरा, मैं पहले बोलना चाहूँगा कि मेरा नाम रोमियो है पर ज़िंदगी उतनी ठंडी है मेरे लव लाइफ में। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट अभी डेफिनेशन चेंज हो रहा है मेरे लिए कि वैलेंटाइन पे गाने निकालने हैं रोमांटिक, ऑडियंस को वापस लव में बिलीव कराना है। I think मेरे लिए वैलेंटाइंस डे इज़ नॉट जस्ट अबाउट द गाय इन द लाइफ, इट्स अबाउट ऑल पीपल आई लव। फिर वो पापा हुए, मम्मा हुए, मेरा भाई है, तो जितने लोगों से मैं प्यार करती हूँ उनके लिए ये डेडिकेटेड है मेरी तरफ से। लास्टली जो आपके फैंस लोगों से क्या कहना चाहेंगे? वैसे नए साल में आप प्रवेश करने वाले हैं जिंदगी के रूप में, क्या कहना चाहेंगे फैंस को और थोड़ा सा अगर उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आई फील वेरी लकी के फर्स्ट गाने से ही मेरे को इतना प्यार मिला है फितूर से लेके आज तक। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ऑडियंस इतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगी एंड मेरे गाने पसंद करेगी। सो आई फील मैं बहुत लकी फील करता हूँ एंड आज के दिन जस्ट आप स्पेशली मीडिया को तो मैं बहुत बड़ा लाइक दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं मीडिया का, बिकॉज आप लोगों ने भी जितना सपोर्ट किया उतना ही मेरे फैंस ने सपोर्ट किया है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एल्बम को भी जो अभी आ रहा है लेट मी लव एंड थैंक यू सो मच। I think it's just that we have put in a lot of efforts and he has put in a lot of efforts. So please keep on showering all the love you guys can. That's it from my end. So गाने का नाम है आँखों में और ये कल आ चुका है YouTube पर मेरे चैनल पर रोमियो पर एंड एल्बम भी आज पूरा ड्रॉप हो गया। एल्बम पूरा हमने ऑडियो प्लेटफॉर्म पे 14 फेब को आ जाएगा वैलेंटाइंस पे, पर यूट्यूब पे इट्स ऑलरेडी देयर, सो डू वॉच इट प्लीज। थैंक यू सो मच। हाँ, ही डज अ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क और लॉट्स ऑफ विशेज टू हिम, मे ही अचीव लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड मेक मोर एंड मोर सॉन्ग्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी। ही लव्स टू सिंग and dance and like you know he likes to write the songs also, so he makes his own songs. Thank you so much. And happy birthday to him from thank you. मैं बस कहूँगी कि happy birthday to Romeo and मैंने उनका गाना सुना है और बहुत प्यारा लगा मुझे वो गाना, so all the best wishes. Anything? यार गिफ्ट गिफ्ट मैं कल दूंगी, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। अब इधर देखिए, सेंटर देखिए। रोमियो की बात की जाए तो मतलब बहुत अच्छे गाने गा रहे हैं, मतलब कि कैसा लगा उनका गाना? हाँ, कमाल के टैलेंटेड सिंगर है, तो उनके गाने बहुत मुझे पसंद आते हैं। रोमांटिक सॉन्ग्स है तो मेरा फेवरेट जॉनरा, सो वो टैलेंटेड तो है तो सारे गाने हिट ही होंगे। एक्चुअली मुझे इस बात के बारे में पता नहीं है, मुझे ये बात के बारे में पता नहीं है, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी बाद में। आई विल गेट टू नो जी। थैंक यू। क्या बात है, कैसे समझ? अरे आप हो ना समीर जी, सबसे पहले आपके एल्बम का रिलीज तो बहुत बधाई हो। शुक्रिया। क्या बोलना चाहते हैं? बहुत हैप्पी बर्थडे विशेस देना चाहूँगा रोमियो भाई को। उनका गाना रिलीज़ हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका गाना, और भाई काफ़ी सक्सेस करे आगे, और वो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे और मेरा एक और दोस्त है साथ में दिलजान सैयद, ये बताएंगे रोमियो भाई के बारे में। क्या विशेस देना चाहते हैं? रोमियो भाई के बर्थडे है, गाने भी रिलीज हुआ है, दोनों को मौका मिले एक साथ। तो जैसे कि हमने सॉन्ग सुना, सॉन्ग बहुत ही लाइक अच्छा लगा हमें, और आज बर्थडे भी है
तो मेरा बहुत गुड विशेष रहेगा उनके साथ कि वो बहुत सक्सेसफुल होंगे और ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा गाना तो आई थिंक ईद में आने वाला है और रेमो भाई का तो आ चुका है और अभी उनका गाना काफ़ी अच्छा लगा मुझे और देखूंगा कि आप लोग भी मेरा गाना देखो, वो भी काफ़ी सक्सेस करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।